लगा पूरी तरह और जोर से। नहीं गया था मैं, अब तू कहीं को लाया फोन मेरे को, झगड़ लो कुत्ते नहीं। कोई भी नहीं निकाले मेरे को, तू क्या निकालता, तू नहीं निकाल सकता मेरे को। मैं 10 साल से हूँ रे, मैं 10 साल से हूँ, मैं नहीं निकाल सकता तू मेरे को, नहीं निकाल सकता तू मेरे को, नहीं निकाल सकता रे। चल पानी कहीं घुमाना तू, नहीं निकाल सकता तू, मैं क्या बोलूँ तेरे को, नहीं निकाल सकता तू मेरे को, नहीं निकाल सकता तू मेरे को, नहीं निकाल सकता। मालूम जोर जरा जोरा मेरे को, उस कुत्ते से
से? छोड़ तू, छोड़ मेरे, बोल तू, मैं बोल तू, छोड़। शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से लाए थे? सही नहीं मालूम रे। क्या कर रहा था तू उसके अंदर बैठ के? क्या कर रहा था? बोले तो सताया रे, बहुत तू बहुत बहुत फिराया उसको, बहुत बहुत काम करने लगाया रे। क्या करने लगाया? बहुत सताया रे, मैं शादी से पहले आया मैं कॉलेज में एग्जाम दे रही थी, जैसे उड़ को उसके दिमाग में घुसा रे, उसके घर वाला गुना फिर बहुत सताया, उसे धावा करना को फिराया। हाँ, और क्या कर रहा है? सताया रे, जोर मरे झगड़े खा जा, देख मैं क्या करता। तो अब तेरे हाथ काट के ले जा। जोर मरद ने झगड़े लाया ससुराल में, अम्मा बाबू सबको ये करा, देख क्या करता। हाँ, और क्या करा? इसको कौन भी नहीं समझे रे, मैं परेशान करता ही देखे थी दे। और क्या कर रहा था? अभी भी नहीं समझ रहे थे रे, अभी भी नहीं समझ रहे, इंडियन बुला को नहीं जबरदस्ती से, उसका मरद भी नहीं सुन रहा था, देख जबरदस्ती से बुला को नहीं उनमें देखो। और घर में क्या क्या परेशानी लगा रहा था उसके? बहुत करता हूँ मैं, पिक्चर से बाहर कर रही, क्या करता बोल? पिक्चर दिमाग में से घुसी हूँ, क्या करता बोल तू मेरे का? पिक्चर दिमाग में से उड़ को आया तो उसके आगे अभी तक दिखा उसे, मैं उसका मुंह बंद कर आया था, नहीं बोला बोल को, उसको क्या भी नहीं मालूम हुआ, उसकी पढ़ाई की नहीं, सब सत्यानाश कर को छुड़ा, देख मैं जो बच्चा पढ़ती थी उठा आगे पढ़ती थी, मैं सब सत्यानाश कर को छुड़ा उसका। सेकंड ईयर में भी फेल हुई, दसवीं में पास हुई, सब कर को मैं उसको शादी कर को दिए, देख शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से लाए तुझे? वो नहीं मालूम देखो, बाहर से जंजीरों से मारो उसको, बन के तेज साथ में अंदर उसको भी देखो, गए तेरे मेरे को आग नहीं दिया, देख मैं मुँह तू निकालता मेरे को, बाहर बैठा तो बेचैन करता तू मेरे को, पागल हुआ क्या रे तू? जकड़ लो उसके हाथ को, तेज साथ जकड़ो, और क्या कर रहा था? और क्या कर रहा था? क्या भी नहीं मालूम, उसके बच्चों को भी सता रहा था, बच्चों को खाली उन मार लेती है, गुस्सा आया था। चलाओ इसके हाथ को जकड़ के लो, तेजी से जकड़ लो, इधर जाओ, क्या नहीं बोलती हो, चुप बैठ रहे कहीं को, ये कर रहा मेरे को, पागल हुआ तू? पूरा जला के रात करेंगे तेरे को, तेरे बाप का रात कर, लोगों को परेशान करने को सामने में घुस के, कमीन की औलाद। चल बता कौन भेजे थे उसके आंग में? जल्दी बोलो, मैं गुस्सा नहीं आनंद ऊपर काट दूंगा, जल्दी बोलने तो आप पूरा काट के टुकड़े करता हूँ तेरे। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل فهو عبن قصم قليل عوزد علي رطل القرآن طفل الناس نرق القدم سقيل إنا ناشر ويجي أشهر وضم أخلم خير إنا لقدم بحار صباحا تبيل واذكر اسم ربك واربط بالإله التبتل رب المشرق والمغرب لا يفطر وكيل رب المشرق والمغرب لا يفطر وكيل واصبر على ما يقولون بهجر من جميل وضربي والمكذبين للنعمة والمقليل فإنا لدينا أنكال وجبت مزاقوصة وعذاب أليم يوم طاق الفزي بالك أكبر رب المعيد إنا أرسلنا إلى
إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأتوا فرعون رسولا فأخذناهم بالعذاب فإذا تبنى إن كفرتم يوم يجل الجلد أن شمسكم بكان وقد مفوا إن هذه تبعون اتخذ الله بسبيل إنا ربك يعلم أنك تخاف من الظلم من نصف صدق مقايم إن الله معك والله والله يغنى رب لنا حاربا لتوصف الطبري فأخرمت إثمكم الصلاة وآتوا الزكاة وأخذوا الله فرضا حسنا وما تقدم لكم من قدر تدفع إن الله خير وعز أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم जलाओ उसके अंदर से आग लगा दो और उसके पेट में से भी जकड़ लो, उसके पेट में से आग लगाइए। बात मतलब उसका कट करके निकलाओ मुख लगा। हाँ जलाओ उसके अंदर तेज से आग लगाओ। चल भाई बोल, झगड़ो उसको और तेज झगड़ो उसको। कौन ला के डाली थी? औरत थी, आदमी था वो, छोकरी के मां के रिश्तेदार थे, बाप के रिश्तेदार थे, बच्ची के वो कौन थे? हाँ कौन थे? माँ के थे, बाप के थे। आग लगा उसके हाथों में भी। मेरे को नहीं मालूम रे जोड़ ठीक कैसे क्या आ गया क्या हुक्म दे के भेजे थे तुझे? क्या हुक्म दिए थे? मेरे को नहीं मालूम। बच्ची को कहीं में मिला के खिलाए थे? नहीं मालूम। जलाओ मैं जब तक नहीं बोला उसके हाथों में आग लगा दे रहा हूँ। हाँ बोल। अच्छा इसका कपड़ा क्या लेके थे जादू चलाते रहो? नहीं मालूम मेरे को। सही बोल। नहीं बोलता। चलो उसके अंदर आग लगाओ। पढ़ते बोलने तो पूरा चला दूंगा। मेरे को नहीं मालूम रे। तुझे कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? नहीं मालूम मेरे को। चलते को एक मौका दे रे, एक मौका। नहीं दूसरी चक्कर तक सब याद करके आगे सुनाना। कौन सब सुना तू? छोड़ तू, छोड़। शमशान से, कब्रिस्तान से? मेरे को नहीं मालूम। कहाँ से लाए थे? सही बोलू मेरे उंगलियां छोड़ो। मेरे को नहीं मालूम रे। और तेज झगड़ लो। नहीं मालूम रे। दूसरे चक्कर तक सब याद आ। याद कर को अधूरे पागल का छोड़। अल्लाह झगड़ो अल्लाह छोड़ रहे। और एक बार बोल तू रे, छोड़ रहे माँ छोड़ रहे। और एक बार बोल तू छोड़, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे को? तोबा तोबा कर जल्दी। मैं कर तू छोड़, तोबा तोबा कर तू रे, घर तू छोड़ रे, घर तू रे छोड़ बे पागल के छोड़। मारो इसको, मारो इसके हाथों में आग लगा दो तेज के साथ में। ऐसा जोड़, ऐसा जबान काटेंगे इसकी। जकड़ लो इसकी तेज के साथ में, जबान भी काटना इसके हाथों के साथ में। बोल उठा दोनों हाथों पर। तोबा तोबा कर जल्दी, तोबा कर तू, तोबा कर तू रे पागल के छोड़। तोबा कर तू मार के, तोबा तोबा छोड़ रे, छोड़ रे। उधर वैसे मार, जोर से तोबा तोबा, तोबा तोबा जोर से, तोबा तोबा जोर से। दूसरे चक्कर
लश्कर तक सब याद करके आके सुनेगा मेरे को, कौन डाला था उसके अंदर, कहाँ से लाए थे तुझे, शमशान से, खबरस्तान से, उसके माँ के रिश्तेदार थे, छोकरी के बाप के थे, क्या दुश्मनी थी, ये सब याद करके आगे बयान करना। तकलीफ देता रे पागल, हाँ पूरी दे दे के मार के खत्म कर देते। और दोस्त को तकलीफ जकड़ लो उसको और तो वहां कर जल्दी। अच्छा ठीक है, उसके दो कपड़े कर उसे गर्दन में से पड़ता करो, करे उसे गर्दन में से। कितने बार हाजिर हुआ घर पे ये? घर पे नहीं हुआ, घर पे नहीं हुआ, कर नहीं हुआ हाजिर। घर में किरकिरे झगड़े होते क्या? हाँ होते होते हैं, बहुत होते। और क्या हो रहा था? तकलीफ तकलीफ क्या, बस मियाँ भी में करीब गए तो नजीक जाने नहीं देते, वही घर में अम्मी को अब्बा को हमारे लड़ते रहते हैं, इनके अम्मी अब्बा को भी लड़ते रहते हैं। क्या बोला था मतलब, ये जो दास्तान है तो इनके आने या फिर अपनी जो भी शय हाजिर हुई वो शय बोल रही कि मुझे मालूम नहीं, बंडल में आज यहाँ कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसको बाद में अगले चक्कर में उसको और जंजीरें डाल के मार के उससे फिर पूछेंगे नाम कौन डाले थे, कहाँ से आया था, जब फिर उसके बाद बयान करेंगे। और क्योंकि ऐसा लगे वाला शैतान नहीं हो गई से आया वाला, खुद बहुत ये करनी का उड़ा से ला के छोड़ा वाला है, लगे वाला लड़का तो अभी सब बोलता है उससे, ये जो दास्तान है तो इनका ऐसा कहना है कि पेशेंट के आने पर पहले हाजिर नहीं हुआ घर में, कभी यहाँ लाते हाजिर होगा, किसी का पहले बार में हाजिर होता, किसी का दूसरे बार में, किसी का तीसरे बार में, सबका अलग अलग रहता। देखो अब भी उन्होंने कितनी बार आए तुम? पहली बार में हाजिर होगा, हाजिर होने के बाद में, मगर वो कौन सा वाला है वो तो अंदर बैठ के परेशान कर रहा था उनको, तकलीफ दे रहा था घर में, किरकिरे झगड़े लगा रहा था, मियाँ बीबी में झगड़े लगा रहा था, यहाँ आते पकड़ेगा सामने आगा, सामने आने के बाद वो बोल रहा मैं कॉलेज के पीरियड से हूँ, स्कूल के पीरियड से, और इसको पढ़ाई भी नहीं करने दिया, तभी बर्बादी कर दिया इसकी पूरी लाइफ को, क्या क्या पढ़ाई को बर्बाद करा वो सब बयान करा उसमें है, देख लो। ये ऐसे दास्तान रहते और ऐसे मसले, ये सब चीजों से तुमको महफूज, ये सब उबाओं से रखने वाली चीज अल्लाह का कलाम है, इसलिए इबादत की रस्सी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से थामना, और अगर तुम नेक बखत और इबादत गुजार बनेंगे, तुम्हारे अंदर इबादत का नूर अगर पैदा हो जाएगा, तो फिर ऐसे शयातीन, बलाएं, ये चीजें तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकते, और ये चीज तुम्हारे नजदीक आने से खुद बहुत जल के राख होते बोल के भाग जाते हो। और सबसे बेहतर तुम लोगों को यही दास्तान बताऊं मैं, जिसके भी घरों में किरकिरियां झगड़े हो रहे, घर में ये सब ऐसे दास्तान हो रहे, तो उल्टी आ रही क्या? जाओ बाहर जाओ, उल्टी करके आओ, खिला वाला है, खिला के ये उल्टी आ रही पेशेंट को जा रहे बाहर में, तो खिला के करके करे वाली थी दास्तान। ये जो करनी चौटाला यहाँ से भाई, बहुत सारे दास्तान, बहुत सारा तजुर्बा मुझे मामले में, कैसा बैठता कहाँ बैठता, मैं भी पहले से समझता था कि खिला वाला रात का खा वाला सुबह तक नहीं रहता, तो कहाँ से सालों पुरानी दवा पेट भरेंगे। और बाद में जब मैंने देखा प्रैक्टिकल में, और जब अल्लाह ने दिखाया, तो मुझे पता चला ऐसा दास्तान है, ऐसे भी रहते और ऐसे भी बहुत कुछ है। इसलिए नेक बखत बनो, नेक बखत इबादत गुजार, अगर इबादत करेंगे ज्यादा से ज्यादा, इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे, तो ये सब बातों से महफूज रहेंगे, वरना ये वबाओं में अगर घिर जाएंगे तो कभी भी समझ लो फिर घिर जाएंगे तो बहुत बुरा आलम हो जाएगा, बहुत बुरा, इंसान निकलेगा कहाँ से, बचेगा कहाँ से, सोचने में उसको निकालने वाला रहबर उसका मोहसिन उसको मिले तक उसको डुप्लीकेटा बर्बाद करके डाल देते उसको जादू का राय सब मिलके। जादू जादू से नहीं कटता, जादू सिर्फ अल्लाह कलाम से कटता। इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, मजबूती से थामो, मजबूती से थामो, और ऐसे वबाओं से अल्लाह की पनाह में रहो, अल्लाह की पनाह में रहो, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह ये ऐसे वबाओं से, आफतों से, दुनियावी आसमानी बलाएं बोलते हैं, ये सब चीजों से महफूज रख, महफूज रख। बड़े उलमाए दीन के बयान सुने होंगे तुमने, अल्लाह हमको इसमें बचा के रख, में दुनिया की मर्जों से बचा, ये उसके बाद में ये चीजों से बचा, जो आसमानी बलाओं से बचा बोलते हैं, जो आसमानी वबाओं से, वो सब ये ऐसे आसमानी ये सब बलाएं, ये सब जादू टोना, इससे बचो, बचो, दुआएं करो ज्यादा से ज्यादा। तुम अगर दुआ करेंगे तो दुआ मोमिन का हथियार है, दुआएं याद करेंगे तो और भी बेहतर है। कुरान की रस्सी को मजबूती से थामना, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर अभी तक क्या बयान करूँगी, इंशाल्लाह आगे बताऊंगा और भी कुछ। चलो रोक दो।